स्पर्श गंगा अभियान के तहत गंगा स्वच्छता के प्रति जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट से शुरू हुई इस रैली का समापन हरिद्वार के वीआईपी घाट पर हुआ। वीआईपी घाट पर आयोजित कार्यक्रम में हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक, कैबिनेट मंत्री प्रकाश पंत, जगत गुरु रामानंदाचार्य, हंस देवाचार्य महाराज, दक्षिण काली पीठाधीश्वर कैलासानंद ब्रह्मचारी, परमार्थ निकेतन के परमाध्यक्ष मुनि महाराज, स्पर्श गंगा अभियान की राष्ट्रीय संयोजिका आरुषि पोखरियाल समेत बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे शामिल हुए। वीआईपी घाट पर आयोजित कार्यक्रम में रैली में भाग लेने वाले छात्रों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। साथ ही सभी लोगों को साधु संतों द्वारा गंगा स्वच्छता के लिए शपथ भी दिलाई गई। इस दौरान सांसद निशंक ने कहा कि जल्द ही गंगा स्वच्छ और निर्मल होने वाली है। गंगा स्वच्छता के लिए पहले लोग केवल बातें किया करते थे, लेकिन आज बड़ी संख्या में लोग गंगा स्वच्छता अभियान से जुड़ रहे हैं। वहीं दक्षिण काली पीठाधीश्वर कैलासानंद ब्रह्मचारी ने कहा कि गंगा स्वच्छता के लिए जरूरी है कि गंगा में गिर रहे सभी नालों को तत्काल बंद कर देना चाहिए और सरकार को गोमुख से गंगा सागर तक गंगा किनारे बनी सभी फैक्ट्रियों पर रोक लगा देना चाहिए। जब तक ये बंद नहीं होगा तब तक गंगा साफ नहीं होगी। वैसे भी स्पर्श गंगा ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करना शुरू किया है। दुनिया के लगभग 12 देश भी उससे जुड़े हैं और हरिद्वार, ऋषिकेश हो, चाहे वो इलाहाबाद हो, बनारस हो, पटना हो, कलकत्ता हो और चाहे उत्तरकाशी और गंगोत्री हो, हजारों लोग प्रति रविवार को गंगा में आकर के उसकी सफाई का अभियान कर रहे हैं, जन जागरण कर रहे हैं। गंगा और उसमें जुड़ने वाली जितनी जल धाराएं हैं उनका संरक्षण और संवर्धन का काम चल रहा है। मुझे भरोसा है कि लोग जब स्वयं ही गंगा को सफाई के लिए आगे आएंगे तो गंदगी करने वाले न केवल शर्मिंदा होंगे बल्कि वो भी गंगा की सफाई में अपना अभियान शुरू कर देंगे। और ये बहुत बड़ा अभियान है और इस देश का, क्योंकि गंगा हमारी मान है, शान है, प्राण है, पहचान है। गंगा हमारी, हमने उसको माँ माना है और वो हमको पोसती है, पालती है और उसका जल वैसे भी बहुत पवित्र है, अमृत है। और इसलिए गंगा का संरक्षण न केवल इस देश के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत जरूरी है।